हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 10th NIS वाले बच्चे जो हैं उनका बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था इंडियन कल्चर और हेरिटेज, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको लेकर के, कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, ये सारी चीज़ें बता दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली वीडियो होगी इंडियन कल्चर और हेरिटेज की, मतलब TMA की वीडियो तो हमने अपलोड कर ही रखी है। खैर, तो यहाँ पर हम सिलेबस वाली पहली वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बताऊंगी। ठीक है, जो MCQs आपके मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट MCQs है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो ये पूरा 100 नंबर का पेपर है, यू नो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का, इसमें स्टार्टिंग के जो आपके 8 क्वेश्चन आते हैं ना, वो MCQs ही आते हैं, और 8 मार्क्स फिर भी काफ़ी होते हैं। तो 8 नंबर अगर आपके अच्छे आ जाए तो कोई बुरी बात तो है नहीं, भी अच्छे नंबर तो आने ही चाहिए आपके। तो 8 के 8 आप अगर MCQs आप अच्छे से कर लेते हो तैयार, तो इनमें से काफ़ी सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है जिनके पास इंडियन कल्चरल हेरिटेज है, और इंग्लिश मीडियम वाले पर भी हम जल्द से जल्द काम करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 40 MCQs बताने वाली हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ ही साथ इन MCQs के मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बताऊंगी कि किसका आंसर क्या है। अच्छा, अगर आपको यही नहीं बताया अभी कुछ बच्चों को कि इंडियन कल्चर हेरिटेज का पेपर यानी भारतीय संस्कृति और विरासत का पेपर आएगा कैसा, तो मैंने ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी डाली थी, आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं 10th NIS सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से। ठीक है, 10th NIS सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको लगभग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, SST, इंडियन कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स, पेंटिंग, डाटा एंट्री, ये सभी सब्जेक्ट से सैम्पल पेपर क्वेश्चन बाकायदा समझाए गए हैं कि कौन सा पेपर आपका कैसा आएगा, तो देख लेना। बाकी इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। और इसके अलावा अगर आपका अलग अलग सब्जेक्ट का गाइस अभी TMA तैयार नहीं है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश कोई से भी मीडियम का हो, तो आपको जो है TMA के सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो TMA की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो MCQs। तो पहला जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो है भाई कि इनमें से कौन सा मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा नहीं किया गया था। देखिए, जो आपके गाइस नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें नहीं वर्ड दे रखा हो, उस पर आपको थोड़ा सा और ध्यान से अटैम्प्ट करना होता हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि नहीं किया गया था मतलब देखना है कि भाई 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो पॉजिटिव होंगे, ये आपका नेगेटिव होगा, नहीं का मतलब जो नेगेटिव हो। सो देखिए, आपके गाइस 4 ऑप्शन हैं। पहला है कैलाश नाथ मंदिर, दूसरा है बैंकुट पेरुमल मंदिर, थर्ड है महाबलीपुरम में रथ मंदिर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, यानी बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण जो है पल्लवों द्वारा नहीं किया गया था, कौन से का, बृहदेश्वर मंदिर। तो पहला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है गाइस आप लोग का कि भाई सन 2000 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से लेकर रिलेटेड। सो पहला ऑप्शन है 84वां, या फिर 85वां, तीसरा है 86वां, या फिर 87वां। सो गाइस, बात करें 2002 में जो संशोधन हुआ था, 2002 में जो संशोधन हुआ था उसमें 85वां जो है शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 85वां। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान यानी NLM का लक्ष्य किनको कार्यकारी साक्षरता प्रदान करना है। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या है, NLM, तो इसका मेन लक्ष्य क्या है, किसको साक्षर बनाना है। देखिए, साक्षर का मतलब कि भाई हाँ, अक्षर ज्ञान हो कम से कम इंसान को, उसको बहुत ज़्यादा वो डिग्री ना हो उसके पास, लेकिन अक्षर ज्ञान हो, यानी उसको थोड़ा लिखना पढ़ना आता हो। तो आपके 4 ऑप्शन है नाबालिगों को, दूसरा है बालिकाओं को, तीसरा है वयस्कों को, या फिर स्कूल से निकले हुए बच्चों को। सो गाइस, राष्ट्रीय जो साक्षरता अभियान NLM जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसका लक्ष्य जो है आपसे पूछा गया है कि भाई किनको शिक्षा प्रदान करना उनका लक्ष्य है। तो 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है नाबालिगों को, दूसरा है बालिकाओं को, तीसरा है वयस्कों को, या फिर स्कूल से निकले हुए बच्चों को। सो गाइस, बात करूँ मैं इस मिशन की NLM की, सो ये जो आपका जो किनको साक्षरता, साक्षर का मतलब अक्षर ज्ञान होना, किनको साक्षरता प्रदान करना इनका उद्देश्य है, ना तो नाबालिगों को है, ना ही बालिकाओं को है, ना ही स्कूल से निकले हुए बच्चों को, यानी बच्चों को तो किसी को है ही नहीं,
बच्चों को शिक्षा प्रदान करना इनका उद्देश्य नहीं है बिल्कुल, इनका उद्देश्य है वयस्कों को, यानी जो बड़े बूढ़े होते हैं जिनको बिल्कुल भी साक्षर अक्षर का ज्ञान नहीं होता, तो उनको अक्षर का ज्ञान प्रदान करना यू नो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का लक्ष्य होता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी वयस्कों को। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम वर्षों की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, तो कौन सी जो यू नो स्टार्टिंग के जो कौन से वो साल होते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो है गाइज आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 7 या 8, तो 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ लेते हैं, कौन से अंग्रेज ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया था, 4 ऑप्शन है, लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर विलियम बेंटिक ने या फिर वॉरेन हेस्टिंगटन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने, तो सही ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिक ने, इन्हीं ने सबसे पहले जो है अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा यानी जो कामकाज की भाषा होती है सरकारी उसके रूप में अपनाया था, तो विलियम बेंटिक ने। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, आगे जो है आपका 6 क्वेश्चन है, चरक द्वारा लिखित चरक संहिता, यानी किसने लिखी थी चरक संहिता, ये लिखी थी चरक ने, तो एक विषयक प्रमाणिक और विस्तृत ग्रंथ किस विज्ञान पर थी, पहला है भौतिक शास्त्र, दूसरा है रसायन शास्त्र, तीसरा है चिकित्सा शास्त्र या फिर गणित शास्त्र, तो देखिए कीवर्ड है आपका बड़े आराम से याद रख सकते हैं, चरक ने जो चरक संहिता लिखी वो चिकित्सा के ऊपर लिखी थी, तो चिकित्सा शास्त्र सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, भारत में निर्धारित हिंदू अधिनियम 1955 से 56 से कौन सा समुदाय अनुशासित नहीं है, नहीं है मैंने आपको पहले भी बोला था, नहीं वाले थोड़े से ध्यान से आपको करने पड़ेंगे, पहला है हिंदू, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है सिख या फिर पारसी। सो गाइस भारत में जो हिंदू अधिनियम 1955 से 56 था, कौन सा समुदाय उनसे अनुशासित नहीं है, वह है पारसी, पारसी जो समुदाय है वो यू नो समुदाय संबंधित नहीं है, अनुशासित नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, भारत सरकार ने कितने समुदाय को उल्लेख व सम्मिलित करके अनुसूचित जनजाति की पहचान दी है, कितने समुदायों के उल्लेख व सम्मिलित करके, तो ये आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन है 247, दूसरा है 274, तीसरा है 427 या फिर 472, तो 200 वाला तो एक भी नहीं है, ठीक है 400 वाले में से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 427 या फिर 472, देखिए दो वर्ड को आगे पीछे कर दें, इसमें 427 इसमें 472, आपको ध्यान रखना है 427 मतलब 427, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, आई थिंक आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी यहाँ से, एक से दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लें तो बिलीव मी काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी और यहाँ से आपके कई सारे MCQs एग्जाम में फंसने वाले हैं। 8 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, मैंने आपको बोला था कि टोटल 40 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें से 8 हम लोग देख चुके हैं, 9वे क्वेश्चन की बारी है, सो इन नंबर्स में मत जाना, ये 9वा क्वेश्चन है आपका, किस नदी के किनारे हड़प्पा संस्कृति के अधिकतर स्थल पाए गए हैं, ये आपका यू नो SST में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है, तो और जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कम से कम इतना तो आपको पता हो, कब सबसे पुरानी जो हमारे इतिहास की सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। सो पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, किस नदी के किनारे हड़प्पा संस्कृति के अधिकतर स्थल पाए गए हैं, यहाँ पर यानी हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो लोग रहते थे तो उनका जो स्थल थे स्थान थे जहाँ पर वो रहते थे तो वो किस नदी के किनारे ज़्यादा देखे जाते हैं, तो पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरी है ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु, तो आपका सही ऑप्शन है जिसका सिंधु, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थल पाए गए हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय सूत्रों का लेखक है, न्याय सूत्र किसने लिखे हैं कुल मिला के ये समझ लीजिए, पहला है कपिल, दूसरा है गौतम, तीसरा है कान्हा या फिर जैमिनी, तो गौतम ने न्याय सूत्र लिखे हैं, आप आराम से ध्यान रख सकते हैं, बहुत ईजी सा नाम है गौतम, ठीक है न्याय सूत्र लिखे मतलब गौतम को न्याय पसंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन किस निम्न में से किसी व्याख्या किसकी व्याख्या करता है, सांख्य दर्शन तो देखिए बहुत ही देख सकते हैं आप आराम से इस क्वेश्चन को, तर्कसंगत चिंतन के बारे में व्याख्या करता है या विकास का सिद्धांत की व्याख्या करता है या वैध ज्ञान का संप्रत्यय है ये या फिर सिद्धांत के द्वारा सृष्टि रचना की व्याख्या, तो सांख्य दर्शन यानी सृष्टि रचना की व्याख्या, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं सांख्य मतलब सिद्धांत के द्वारा सृष्टि रचना की व्याख्या। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, सर्वप्रथम पाई के मूल्य की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई, देखिए क्वेश्चन आया है पाई यानी जो हमारे चैनल का नाम है पाई स्टडी सर्कल, हमने भी इसे मतलब मोटिवेट हुए थे, नाम अच्छा लगा था हमें ये, तो पाई आ गया है हमारा पाई स्टडी सर्कल, चैनल से जुड़ जाइए फटाफट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पाई के ऊपर ये जो क्वेश्चन है
अच्छे से तैयार करिए आप लोग। सो देखिए, सर्वप्रथम पाई के मूल्य की गणना। अब देखिए, अगर हम अपने चैनल की बात करें तो पाई का मूल्य आप लोगों से ही है, आप लोग बताते हो कमेंट करके कि हाँ आपकी कितनी हेल्प हो रही है या फिर आपको कितना यू नो वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है, तो पाई का मूल्य तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। चलिए देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो ये अलग बात कि पाई के मूल्य की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो बोधायन ने की थी। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोधायन आपका राइट आंसर जाएगा, है ना। बाकी तो पाई परिवार तो खैर आप लोगों से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा गणित सार संग्रह का लेखक कौन है? पहला है वराहमिहिर, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है महावीराचार्य या फिर ब्रह्मगुप्त। सो सही ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, महावीराचार्य। किसका जो है ये लेखक है? गणित सार संग्रह, गणित आप ध्यान रख लेना, सार संग्रह का लेखक महावीराचार्य है। सिक्स क्वेश्चन, मतलब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो आर्दुनी मतलब देख लेते हैं ये, ठीक है। नौवा आपका ये था 10, 11, 12, 13। चौदहवा आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कुछ इस तरीके से कि बम्बई विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया? बम्बई जिसको हम मुंबई कहते हैं, 1857, दूसरा 1882, तीसरा 1887 या फिर 1895। सो गाइज, आपके सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर यू नो 1800 से ही दे रखे हैं। आप ध्यान रखना, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1857 आप जो है वो भी याद रख सकते हो कि स्वतंत्रता जो संग्राम चला था, जो मेरठ से जहाँ जिसकी शुरुआत हुई थी, तो स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति ही बोली जाती है। तो याद रख लेना इस तरीके से कि बम्बई विश्वविद्यालय की शुरुआत भी 1857 में ही हुई थी। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, हमने अपना 14 क्वेश्चन देख लिया है। नाउ वी विल सी 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मृत्यु का एक नंबर का सबसे बड़ा मारक है? यानी इन चार चीज़ों में से कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौत होती है, तो नंबर एक पर कौन सी है? पहला है तंबाकू, दूसरा है कैंसर, तीसरा है एड्स या फिर ड्रग्स जो लोग लेते हैं, ड्रग्स के बिल्कुल जो पुजारी बन जाते हैं वो। तो देखिए, राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं तंबाकू। तंबाकू जो काफ़ी मूवीज़ के स्टार्टिंग में भी ऐड लगे होते हैं कि रमेश की हालत देखो, तंबाकू खा खा के इसने क्या कर लिया है, तो बड़े खतरनाक से ऐड होते हैं वो। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है लोगों की पूरे मतलब वर्ल्ड के हिसाब से, वो तंबाकू के खाने से होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाकी कैंसर, एड्स या फिर ड्रग्स ये तो है ही, ये भी खतरनाक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ये। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो पहला है राजा राममोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है राधाकांत देव या फिर विष्णु पंडित विष्णु शास्त्री। विधवा विवाह संघ की स्थापना, यहाँ पर विधवा विवाह किसने शुरू किया, ये नहीं संघ किसने बनाया, तो वो बनाया था पंडित विष्णु शास्त्री ने। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से इसको। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा देने वाले संस्थान मदरसे किसके द्वारा चलाए जाते थे? पहले किसके द्वारा चलाए जाते थे? भूमि के अनुदान द्वारा, जनता के चंदे से, जजिया के कर से या फिर शासक व जागीरदारों द्वारा? तो इसका ऑप्शन है शासक और जो जागीरदार होते थे वो मदरसों को चलाते थे। आगे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, कम से कम आपको इतना पता तो होना चाहिए। पहला है चाणक्य, कालिदास, शूद्रक या फिर वात्स्यायन। तो चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे चाणक्य नीति, आपने सुना भी होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, फुलवारी कढ़ाई कपड़ों पर किस क्षेत्र की विशेषता है? फुलवारी कढ़ाई वाला जो ये क्वेश्चन है गाइस, अगर किसी बच्चे के पास पेंटिंग यू नो सब्जेक्ट है तो पेंटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको मिलते हैं ना, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ इंडियन कल्चर की, कुछ क्वेश्चन पेंटिंग से, कुछ क्वेश्चन SST से, हड़प्पा सभ्यता वगैरह, तो ये मिला जुला रूप है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फुलवारी कढ़ाई जो थी कपड़ों पर किस क्षेत्र की विशेषता है? पंजाब। पंजाब में घर की जो औरतें होती हैं वो फुलवारी कढ़ाई करती हैं कपड़ों पर। सो कैस्क्रोग्राफ के आविष्कार कौन थे? क्या नाम है? कैस्क्रोग्राफ। तो ये थे जेसी बोस या फिर सीवी रमन, दूसरा है एस रामानुजम या फिर होमी जहांगीर भाभा। तो कोस्कोग्राफ के जो यू नो आविष्कार के जनक जो थे वो थे जेसी बोस, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अभी गाइस हम लोगों ने देखे 16 क्वेश्चन किए थे ऊपर, ठीक है। तो दिखा देती हूँ अगला क्वेश्चन गाइस आपका। अगला क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति में क्या विषय आते हैं? अभौतिक संस्कृति में क्या विषय आते हैं? वेशभूषा, घरेलू सामान, विचार या भोजन? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है विचार। अच्छा, अगर आपको गाइस PDF चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो उसके लिए आप जो है हमारे यू नो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए फटाफट से PDF के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैं डाल दूँगी, पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी।
बाकी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी की भी पीडीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाते हैं टेलीग्राम पर भी, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भूलना। और गैस अगर आप लोगों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। सो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम यानी बाय मी, तो फटाफट से देख लेना एक बार उसको ताकि आपका इंग्लिश का सिलेबस भी अच्छे से हो जाए तैयार। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक कालीन लोग ये मुख्य रूप से किन देवताओं की पूजा करते थे? प्रारंभिक वैदिक कालीन लोग यानी वैदिक काल के जो लोग थे वो किन देवताओं की पूजा करते थे? पहला था इंद्र, अग्नि तथा वरुण, या फिर ब्रह्म विष्णु तथा शिव, या फिर इंद्र ब्रह्म तथा विष्णु, या फिर शिव इंद्र तथा विष्णु। तो आप देख सकते हैं, देखिए इन सभी ऑप्शन में आप देखें तो अग्नि शब्द कहीं नहीं है, अग्नि जो है वो केवल इसमें ही है। तो इंद्र, अग्नि और वरुण इन तीन चीज़ों की पूजा प्रारंभिक वैदिक लोग करते थे वैदिक काल के। अगला क्वेश्चन कैसे हम लोगों का, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? अश्वघोष की, श्रीहर्ष की, कल्लड़ की या पाणिनी की? तो ये है श्रीहर्ष की, ठीक है। चलिए कौन सी रत्नावली? कनिष्क के दरबार में राजवैद्य कौन था? राजवैद्य का मतलब जो पूरे उसको राजघराने का मतलब डॉक्टर था, वैद्य था, वो कौन था? कनिष्क के दरबार की बात चल रही है। सुश्रुत, चरक, नागार्जुन या फिर कनाद? तो चरक थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में राजवैद्य जो थे वो थे चरक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैसे हम लोग का, भारतीय इतिहास में 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से 200 BC यानी बिफोर क्राइस्ट तक, सो 600 BC से बिफोर क्राइस्ट से 200 बिफोर क्राइस्ट तक का समय इनके लिए इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण था ये जो टाइम पीरियड है? भारत की राजकीय और सांस्कृतिक एकता का, या महाजनपद का उदय, या फिर पाषाण युग निवास, या फिर हड़प्पन संस्कृति? तो आप देख सकते हैं भारत की राजकीय एवं सांस्कृतिक एकता के लिए भारत में राजकीय और सांस्कृतिक एकता का विकास हुआ इस दौरान। आगे देख लेते हैं इस अगला क्वेश्चन, तत्व ज्ञान की वैशेषिका प्रणाली का मुख्य तत्व है, क्या तत्व है मुख्य? सो गाइस आप देख सकते हैं, पहला है तार्किक विचार, दूसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तीसरा है तर्क संगत ज्ञान की धारणा, या फिर ब्रह्मांड का वास्तविक और वस्तुपरक तत्व ज्ञान। सो सिंपल सा है इसका, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ना तो ये ना फिर जो है ये तार्किक विचार भी नहीं। तत्व ज्ञान की वैज्ञानिक प्रणाली का मुख्य तत्व है ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी पैदावार, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई। सो ये इसका राइट ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, तत्व ज्ञान का चारवा मतवाद निम्न में से किस तत्व के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करती है? तो तत्व ज्ञान का जो मतवाद है वो कौन से तत्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता? पहला है आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, या फिर इथर। सो गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है कि भाई तत्व ज्ञान का चारवाक मतवाद किस तत्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इसके चार तत्व होते हैं, तत्व ज्ञान का जो चारवाक मतवाद होता है इसके चार तत्व हैं। पहला है पृथ्वी, ठीक है, पहला पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, और चौथा जो है ना आपका वो है अग्नि यानी आग। अब देखो यहाँ पर आपको अग्नि तो दे नहीं रखा, पृथ्वी, जल, वायु, तीन तो ये हो गए, एक हो गया अग्नि। तो जो नहीं करता, क्योंकि आपसे पूछा है नॉट में कि जो नहीं है इसका तत्व वो है ईथर। सो गाइस आपका डी ऑप्शन जाएगा राइट, यहाँ पर इसका ऑप्शन का राइट लिखा हुआ नहीं है, बट इसका राइट ऑप्शन है डी, ईथर, ठीक है, ये इसका जो है तत्व नहीं है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि भाई बोधायन ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? किसने, किसकी बात हो रही है? बोधायन ने। सो पहला है सिद्धांत शिरोमणि, दूसरा है स्फुट सिद्धांतिका, तीसरा है सल्व सूत्र, चौथा है गणितसार संग्रह। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि सल्व सूत्र जो है वो बोधायन ने नहीं, सॉरी ये बोधायन का ग्रंथ है, बोधायन ने ये लिखा है, ठीक है। बोधायन ने कौन सा लिखा है? सल्व सूत्र। आगे देख लेते हैं, वृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन है, वृहद संहिता नागार्जुन, वराहमिहिर, महावीराचार्य या फिर भास्कराचार्य। आप याद रख सकते हैं वृहद संहिता मतलब वराहमिहिर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए गाइस आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857, नहीं इसमें तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो हमने ऊपर पढ़ा था, 1882, 1887 या फिर 1895। सारे ऑप्शन जो है यू नो 1800 सही हैं, तो गाइस यहाँ पर आपका 1887 जो ऑप्शन है वो राइट होगा। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर
प्रतिबंध के प्रयत्नों से हुआ था। क्या हुआ था, मतलब किसके प्रयत्नों से हुआ था, ये जो सती प्रथा था, सती प्रथा का मतलब आपको पता है, पति के साथ ही पति की चिता पर ही पत्नी को भी सती कर दिया जाता था, उसको भी जला दिया जाता था, ऐसा पहले होता था इंडिया के अंदर। तो इसको, इस पर प्रतिबंध किसने लगवाया, किसने प्रयत्न किए, किसने कोशिशें की, पहला है दयानंद सरस्वती ने, दूसरा है विवेकानंद ने, तीसरे यहाँ एनी बेसेंट ने या फिर राम मोहन राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि भी सती प्रथा पर रोक लगवाई थी राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, आपका ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन से वर्ण यानी जाति, वर्ण को दूसरे शब्दों में जाति बोला जाता है, तो इसको पवित्र उपनयन संस्कार के लिए मान्यता नहीं थी, पवित्र उपनयन संस्कार के लिए इनको मान्यता नहीं थी, नहीं वाला ऑप्शन आपको देखना है। पहला है ब्राह्मण जो जाति थी उसको, या फिर वैश्य को, या फिर शूद्र को, या फिर क्षत्रिय को। तो शूद्र को परमिशन नहीं थी, मान्यता नहीं थी। आगे बढ़ लेते हैं, आगे अगर अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है अभौतिक संस्कृति में क्या विशेष विषय आते हैं। अभौतिक संस्कृति पूछी है, भौतिक नहीं पूछी। तो देखिए भौतिक संस्कृति में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो वेशभूषा यानी आप कपड़े कैसे पहनते हो, क्या वेश है आपका, क्या आपने आभूषण पहन रखे हैं, फिर घरेलू सामान या फिर भोजन, इन तीनों ही चीज़ों को आप छू सकते हो, इनको आप टच कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, वेशभूषा, घरेलू सामान या फिर भोजन, ये सब क्या है, ये सब गाइस भौतिक हैं, ठीक है। आपसे पूछा है अभौतिक संस्कृति में क्या विषय आते हैं, तो विचार, विचार यानी अभौतिक संस्कृति। आगे बढ़ लेते हैं, फुलवारी कढ़ाई कपड़ों पर किस क्षेत्र की विशेषता है, तो देखिए ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन ऊपर भी आया है आपका, पंजाब की, फुलवारी पंजाब की ग्रामीण महिलाएं करती हैं। प्रारंभिक वैदिक कालीन लोग मुख्य रूप से किस देवताओं की पूजा करते थे, ये ऊपर भी आपका आया था, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। सो मैंने ऊपर आपको बताया था इंद्र, अग्नि तथा वरुण, इनकी ये लोग पूजा करते थे, अग्नि भी है इसमें। चले गए आगे बढ़ लेते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, आप देख सकते हैं चाणक्य ने, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए रिपीटेड आ गया है, चाणक्य ने लिखी थी। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो अश्वघोष की या फिर श्री हर्ष की, कल्लड़ की या पाणिनि की, तो रत्नावली लिखी थी श्री हर्ष ने। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन आपका जो रिपीटेड है, कैस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे, किन्होंने लिखा था, तो जे बी बॉस ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य कौन था, तो आपको पता है चरक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भाई शिक्षा देने वाले संस्थान मदरसे कौन लोग चलाते थे, सो शासक और जमींदारों द्वारा ये मदरसे चलाए जाते थे। चलिए यहाँ पर गाइस हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं अपने सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं इसके जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनकी वीडियो लेकर के आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आई होप ये चीज़ें सुनने से आपको काफ़ी हद तक याद रह जाएंगी। बाकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फटाफट से चेक कर लो, वहाँ पर ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम पर आपको PDF फाइलें मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। इसके अलावा गाइस इंग्लिश के सिलेबस की तैयारी के लिए आप लर्न इंग्लिश चैनल को देखना ना भूलिएगा, लर्न इंग्लिश चैनल पर आपका इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है। और बाकी TMA के सोल्यूशन और इंडियन कल्चर का पेपर कैसा आएगा, ये सारी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक सभी का नीचे दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, और बता दें मुझे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हो। चले गए, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।